हे गाइस, तो इस एपिसोड को देखने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो क्या करो, बहुत से ऑसम है, देखना चाहिए। तो इसलिए तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में, क्योंकि उधर तुम लोगों को इसके सारे के सारे एपिसोड बहुत ज्यादा इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे। तो या अब तक नहीं देखे हो तो देख लेना। यानी गाइस, जो तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा था वो ग्रुप बी है। बी से चार स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए थे, जो कि गाइस तुम लोग जानते ही हो, और टाइम था ग्रुप ए का, यानी इधर से भी चार स्टूडेंट सिलेक्ट होने वाले थे नेक्स्ट वाले राउंड के लिए, यानी टूर्नामेंट के लिए। वेल, इसके बारे में सीन आ चले ग्रुप ए में, जहाँ पर सबसे पहले आता है, यानी उसका नंबर सबसे पहले था, जहाँ पर इसको देखकर यानी रियू को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि सब लोग जाने थे रियू एक बहुत से अच्छा स्टूडेंट है, और उसके साथ ही इंटरेस्टिंग बात वो एलेक्स का साथ ही है, यानी इसका मतलब ये भी कुछ कर सकता है। वेल, इसके बाद रियू अपना खाना लेके आ जाता है जजेस को दिखाने के लिए, और उसके बाद हमें दिखा जाए रियू का खाना, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है। गाइस, सब लोग इसको देखकर बहुत से इंप्रेस होता है, और उसके बारे में लोग इस खाने को खाते हैं, यानी एक जजेस जो की लड़की होती है वो इस खाने को टेस्ट करती है, और उसके बारे में स्टॉप हो जाती है, जहाँ पर इसको देखकर सब लोग सोचने लग जाते हैं क्या हुआ, यानी खाना कैसा है। वेल, इसके बारे में जो बाकी सारे जजेस होते हैं वो लोग भी इस खाने को टेस्ट करते हैं, और उसके बाद हाँ, उन लोगों का हाल भी वैसा ही हो गया था, यानी वो लोग स्टॉप हो जाते हैं, और उसके बारे में कहने लग जाते हैं ये डिश बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी इस डिश को बनाने का तरीका या फिर इसके ऊपर जो सॉस डाला है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, जिस उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। तो इसे देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग सोचने लग जाते हैं हाँ, वैसे भी रियू कुछ करने ही वाला था, यानी अच्छे पॉइंट्स के तो लायक है। वेल, उसके बारे में दिखा जाए जजेस को, जहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं हम लोग ऐसे डिश के ऊपर इतना सारा पॉइंट नहीं दे सकते, यानी हाँ ये स्पेशल था लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। वेल, इसके बारे में दिखा जाए यानी रियू लग जाता है नहीं, एक मिनट रुको, और उसके बाद रियू अपना जो लाल वाला पत्ती होता है जो वो अपने माथे में बांधता है वो निकाल लेता है, और उसके बारे वो अपने माथे में बांध लेता है, और उसके बारे रियू बन चुका था एक अलग सा रियू, यानी बहुत से अग्रेसिव हो जाता है, और उसके बारे वो कहता है नहीं अब ये खत्म नहीं हुआ, यानी मेरे पास और एक चीज है, और उसके बाद इसको सुनकर सब लोग शॉक्ड होते हैं, और उसके बारे रियू कुछ ड्रॉपस्टिक निकाल लेता है, और उसके बारे वो कहता है ये तुम लोग खाने में डाल के देखो, और उसके बारे मुझे कहना, यानी ये खाना कैसा है। और उसके बारे में दिखा जाए जो जजेस होते हैं वो कहने लग जाते हैं नहीं ऐसा नहीं होने वाला, यानी हम लोगों ने खाने का टेस्ट कर लिया है तो ये कुछ भी नहीं कर सकता, यानी तुम्हारा जो पॉइंट है वो तुम्हें मिलने ही वाला है, नहीं जा सकता। और उसके बारे इसको सुनकर रियू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और उसके बारे में जस के पास अगर कहने लग जाता है मैंने जो बोला वही करो, यानी ये तुम्हारे पास चॉपस्टिक है ये उस खाने में डाल दो, और उसके बाद इसे टेस्ट करो तभी ये खाना कंप्लीट होगा, क्या तुम समझी। और उसके बारे में दिखा जाए जो जज होती है वो इधर बहुत ज्यादा डर गई थी, यानी रियू का मूड बहुत भयंकर सा होता है, तो इसलिए वो लोग भी यही करते हैं, और उसके बाद वो लोग इस खाने को खाते हैं, और ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है, यानी ये खाना बहुत ज्यादा अच्छा था, तो इसलिए खाकर सब लोग हैप्पी होते हैं। और उसके बाद टाइम आ गया था पॉइंट्स का, यानी रियू को कितने पॉइंट्स मिलने वाले थे। खैर, इसके बाद रियू का पॉइंट्स जो कि बहुत ज्यादा होता है, यानी गाइस 93 पॉइंट्स रियू को मिले थे, जो कि बहुत ज्यादा थे, और रियू आ गए थे नंबर वन, जो कि ऑब्वियस बात है, लेकिन इसको देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं। इसके बारे में दिखा जा रहा है हमारे होस्ट को, जो कि गाइस बहुत ज्यादा सुंदर है, गाइस ये पहले वाली नहीं है लेकिन गाइस हाँ ये भी बहुत ज्यादा अच्छी है। वेल, इसके बाद जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग इससे बहुत सारे शॉक्ड होते हैं, यानी वो लोग सोच रहे होते हैं वो लोग कैसे आगे जा सकते हैं, क्योंकि रियू ने बहुत सारा अच्छा किया था, और उसके साथ ही रियू का मूड भी इधर कुछ और ही सा होता है। हाँ, इधर रियू अपने बैक स्टोरी भी बताता है, यानी वो कैसे एलायस के साथ मिला था, और उसके बारे टाइम चला गया था, जहाँ पर दिखा जा रहे जो लड़की वाले जज होते हैं वो बहुत से बुरी हालत में आ गई थी, उसके साथ इस डिश ने बहुत कुछ किया था जो कि बताने लायक नहीं है, यानी गाइस समझ सकते हो। वेल, इसके बाद आ गया था निकोमिका, यानी इकोमिका। वेल, इसके बाद इकोमी आ जाती है, और इसके बारे इकोमी अपने डिश लेके आ जाते हैं जिस के पास, और उसके बारे में दिखा देती है अपने डिश जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है। गाइस, ये डिश भी बहुत से कूल था, और उसके साथ ही हाँ ये चिकन से बना हुआ था, यानी मीट से बना हुआ था, स्मेल बहुत ज्यादा अच्छा था, तो इसे सुनकर वो लोग हैप्पी होते हैं, यानी जस्ट हैप्पी होते हैं। बाद वो लोग इस डिश की तारीफ करते हैं, और उसके बाद वो लोग इसको टेस्ट करते हैं, और उसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और उसके साथ ही में दिखा जाए जो लड़की वाले जज होते हैं वो इसको फिर से टेस्ट करते हैं, और उसके बाद उसके फिर से कुछ और हिस्सा हो जाता है। इस डिश ने भी उसके साथ कुछ कर लिया था जो कि बहुत ज्यादा घिनौना होता है, और वो लड़की इधर बहुत सारे मुसीबत में आ चुकी थी, और वो जज बहुत सारे मुसीबत में आ चुकी थी। खैर, इसके बारे में दिखा जा रहा है जो सारे जजेस होते हैं वो लोग इसको खाकर बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, और उसके साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं बहुत ज्यादा अच्छा है, और उसके साथ ही वो लोग इसके रेसिपी के बारे में कह रहे होते हैं। इसको देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं या फिर जो सारे लोग होते हैं वो लोग भी इससे बहुत से एक्साइटेड थे, और उसके साथ ही वो लोग भी कह रहे होते हैं वैसे भी इकोमी मीट का बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी वो इसका बहुत ज्यादा अच्छी डिश बना सकती है, और उसके साथ ही इससे इकोमी बहुत से इम्प्रूव हो चुकी है, यानी वो दूसरा भी डिश अच्छे तरीके से बना सकती है, और ये इकोमी के लिए अच्छा बात था। वो लोग इकोमी का तारीफ करते हैं, और उसके बारे टाइम आ गया था पॉइंट्स का, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज का। वेल, इसके बारे में दिखा जाए इकोमी को पॉइंट्स मिले थे 86,
आमतौर पर जा रही है, यानी इससे बाकी सारे लोग बहुत सारे हैप्पी होते हैं, लेकिन इकुमी नहीं होते। यानी इकुमी सोचती है, इकुमी सोचती है उसको इससे ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कर सकती, यानी वो नाराज होती है और उसके बारे में लिखा चले इसको लेकर सोमा हैप्पी होता है। यानी इकुमी ने अच्छा किया था तो इसलिए सोमा कहता है इकुमी तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया, यानी दिस बॉस टेस्टी था। लग जाते हैं। खैर इसके बारे में लिखा चला होस्ट को जहाँ पर वो कह रही होती है हाँ यही एक असली कंपटीशन है, यानी हमें देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। वेल इसके बाद बुलाया जाता है फिर से एक और न्यू कंटेस्टेंट को जो की होती है सबसे ज्यादा फेवरेट सकाकी, यानी हाँ गाइस ये बहुत ज्यादा अच्छी है और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। वेल इसके बाद आके आगे आ जाती है और उसके बारे में दिखाते हैं अपना जिस जो की सिंपल होता है। गाइस इसको देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं और उसके साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं इसके पहले वाले जो डिशेस थे वो बहुत अच्छे थे या फिर ये दिखने में भी बहुत अलग थे, लेकिन अपने टाइम पर जो ये डिश है यानी सिंपल सी कड़ी है ये बहुत सिंपल है। वैसे सब लोग कह रहे होते हैं तो सकाकी ने ये डिश क्या सोचकर बनाई है, यानी वो लोग सोच रहे होते हैं सकाकी पास नहीं होने वाली। वैसे इसके बारे में लिखा चला है जजेस होते हैं वो लोग भी यही कहने लग जाता है यानी सकाकी तुमने क्या किया, यानी ये सिंपल है और सका कि तुम तो जानते हो सिंपल डिश का इधर क्या होता है। और उसके बाद सका की कहती है उसको टेस्ट करके देख सकते हो और उसके बारे वो लोग इसको टेस्ट करते हैं और ये बहुत से अलग होता है, यानी गाइस ये जितना सिंपल दिख रहा था उससे ये बहुत से अलग होता है और उसको खाकर वो लोग हैप्पी होता है। सकाकी का एक ट्रिक था, यानी गाइस ये अंदर से बहुत से अलग था लेकिन ये बाहर से सिंपल है। तुम लोग कह सकते हो अब तक सारे स्टूडेंट सरप्राइज दे रहे होते हैं तो खाकर वो लोग बहुत से हैप्पी होता है। और उसके बाद सकाकी को पॉइंट्स मिलते हैं बहुत ज्यादा, यानी सकाकी को पॉइंट मिले थे 86 और उसके कारण वो आ गई थी नंबर 2 पे। इकुमी चली गई थी नंबर 3 पे, लेकिन गाइस एक बहुत से इंटरेस्टिंग बात है, यानी सकाकी और इकुमी का एक ही पॉइंट थे, यानी सेम ही पॉइंट थे। देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत से एक्साइटेड होते हैं और उसके साथ वो लोग कह रहे होते हैं अब तो ये कॉम्पिटिशन बहुत से अच्छा गया, यानी सारे स्टूडेंट ने अपना बेस्ट दिया। सब लोग हैप्पी होते हैं उसके साथ वो लोग सोच रहे होते हैं इसके बाद कौन आने वाला है यानी उन लोगों को एंटरटेन करने के लिए। पर इसके बारे में लिखा चला इधर आ गया था मारुई, उसका टाइम आ गया था जहाँ पर मारुई कह रहा होता है वो ही जीतने वाला है। मारुई कॉन्फिडेंट होता है उसके बारे में, मारुई अपना डिश लेके आ जाते जजेस के पास और उसके बारे में लिखा चले मारुई का डिश जो कि बहुत अलग सा होता है, यानी ये एक बॉल में होता है टोटली वाइड होता है जहाँ पर इसको देखकर सब लोग सोचने लग जाते हैं मारुई ने ये क्या बनाया, लेकिन ये दिखने में अच्छा था तो इसलिए जजेस इससे इम्प्रेस होते हैं। हाँ गए से उदौन था। खैर इसके बाद जजेस इसको टेस्ट करते हैं और ये बहुत से अच्छा होता है और इसको खाकर वो लोग रुके नहीं। यही सीन देखकर मारुई का क्लब बहुत से हैप्पी होता है और उसके साथ वो लोग कह रहे होते हैं वो लोग जान रहे थे मारुई कुछ करने वाला है, उन लोगों के क्लब में मारू सबसे अच्छा है और वो लोग जानते ही थे मारू कुछ कर सकता है। मतलब उसके बारे जो उनके क्लब का जो प्रोफेसर होता है वो कहने लग जाता है मारू पढ़ने में बहुत अच्छा था, यानी हाँ हो सकता है वो खाना बनाने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन वो जानता है कौन सा खाना कैसे बनाया जाता है या फिर वो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसलिए मारुई जानता है कौन सा डिश कब बनाना चाहिए, यानी वो जानता है खाने की हिस्ट्री के बारे में, इसलिए उसे कहा चले प्रोफेसर ऑफ कुकिंग। वेल्स के बाद कभी टाइम आ गया था यानी पॉइंट्स का और उसके बारे में दिखा चले मारुई को पॉइंट्स मिले थे 88, यानी वो नंबर 2 पे आ गया था और उसके साथ ही और सका के आ गए थे नंबर 3 और 4th प्लेस में। वेल इसके बारे में दिखा चला यानी अब टाइम आ गया था सुन का। खैर इसके बारे सुन आ चले स्टेज में और इसके बारे में दिखा चला सुन का खाना जो की दिखने में अच्छा होता है और इसके साथ जो इसका महक होता है ये बहुत ज्यादा होता है, यानी गाइस जो सारे स्टूडेंट होते हैं जो की इस इवेंट को देख रहे थे वो लोग भी जान लेते हैं सुन ने कुछ अच्छा बनाया है क्योंकि इसका महक ही कुछ ऐसा होता है। वेल इसके बारे सुन के खाने को टेस्ट किया जाता है और ये जजेस को बहुत से पसंद आ गए थे और उसके साथ वो लोग कह रहे होते हैं सुन तुमने बहुत से अच्छा किया, ये खाना भी अच्छा था। वेल इसके बारे में दिखा सुन के पॉइंट्स को जो कि 88 होते हैं, यानी सुन आ गया था मारुई के लेवल पे तो इसे देख सब लोग थोड़े से शॉक्ड होता है और उसके साथ ही सुन के पास आकर कह रहा होता है मारुई तुमने हमें शॉक कर दिया, यानी तुमने मुझे बहुत जोर का करंट दे दिया। और उसके बाद ही कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, यानी हाँ उसका पहले से ये टैलेंट था तो उसने वो कर दिखाया। और कुछ इसी तरीके से टॉप 5 में 3 पॉलर स्टार डोमेस्टिक के स्टूडेंट आ गए थे जहाँ पर इसको देखकर वो लोग हैप्पी होते हैं, यानी जो समाज के दोस्त होते हैं तो देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। खैर इसके बारे से लोग कहने लग जाते हैं अब क्या होने वाला है क्योंकि दो तो इक्वल में ही है, यानी दो जगह में स्टूडेंट इक्वल है तो इसके बाद क्या होने वाला है सब लोग यही कह रहे होते हैं। और इसके बाद ही टॉप 10 रैंक का स्टूडेंट होता है जो कि जजेस के पास होता है वो कहने लग जाता है तो इसके बाद इसको सिलेक्ट किया जाएगा, यानी इसको जजेस से सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले हाँ ऐसा भी हो सकता है ऐसा सिचुएशन आए ही ना, और उसके बाद वो कहता है कि अब भी दो स्टूडेंट बचे हैं और उसके साथ में दिखा चले ये लोग थे, यानी हाँ अकीरा हमारा सबसे हाँ दमदार सैफ सोमा, यानी वो दोनों बचे हुए थे और वो दोनों आ गए थे आमने सामने, यानी अब उन दोनों का जो वो आगे आने वाला था। और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो चला है तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था और उसके साथ ही हाँ मैं कह सकता हूँ तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। और अगर आया है यानी अब तक देखे हो तो इस एपिसोड को लाइक और उसके साथ ही तुम लोग किसको ज्यादा चाहते हो, यानी तुम लोग किसके सपोर्ट में हो सोमा या फिर अकीरा। फाइट बहुत से भयंकर होने वाला था और अकीरा करी का स्पेशलिस्ट है, क्या होने वाला है मुझे नहीं पता लेकिन हाँ इसके लिए तुम्हें वेट करना होगा कल के लिए। तो बाकी हाँ तुम लोग वेट करो एंड बस आज के लिए इतना ही, बाय।
सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 50% लोगों ने अब तक नहीं किया है, 52% है लेकिन मैंने 50 बोला।